पति पत्नी बैठेंगे सामने पति पत्नी के पॉडकास्ट के लिए आए और बारात देख रहे हैं। उसकी चालू खंडे बिना पूछे मेरा वो खा गए। ये बिना शीशा देखे मेकअप कर लेती है भाई। प्रिया प्रिया शीला आजा, छुपने की जरूरत नहीं, तू हर बार ऐसी करती है। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू आवर चैनल LOL। केड़ी प्रिया, कौन सी प्रिया? ये राज भी उसी के साथ चला गया। तो गाइस आज जल्दी उठ गई थी मैं, फिर मम्मी के घर गए, फिर क्या किया, फिर थोड़ा वॉक किया और बस कुछ नहीं। आज क्या है आज? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। भाई आज तो विक्की भैया आ रहे हैं। जी हाँ, आज विक्की भैया और अंकिता के साथ हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है। और रूपा दीदी बहुत ध्यान रखती है पता गोले का, ऐसे लगता है रूपा दीदी के दो नहीं तीन बच्चे हैं, दो उनके और एक गोला। बहुत बहुत हमको डांटने नहीं देती। रूपा और उसका छोटा सा भाई चूपा, ये है कहानी रूपा और चूपा की। ये दोनों दोस्त थे। गोले किसका बेटा है? किसका बेटा है? मम्मी का। किसका बेटा है? सन। कहाँ है सन? सन नहीं निकला अभी। देखो कितने फ्रेंड्स इसके हैं गले में, हमें कोई नहीं जानता, इसको सारे जानते हैं। जलवा है हमारा। तो यार मैं नीचे आई थी लेकिन मेरा दिन बन गया आज, मुझे एक बड़ा प्यारा सा बच्चा मिला और उसका प्यारा सा हैंडसम दादा। क्या हुआ बेटा? मेरी दादी आपको ही देखते हर रोज। क्या नाम है दादी का? अश्मा। अश्मा जी थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। आप सिर्फ मुझे ही देखना और किसी को नहीं, और नहीं देखना मुझे तो सिर्फ इनको देखो। तो आप उनके बिना क्यों घूम रहे, उनको क्यों नहीं लेके आए? वो शाम को आती है, इनकी जो किटी पार्टी सब है ना। अच्छा किटी पार्टी वाली है? वो आपकी आपकी जो मम्मी है ना सासू माँ होती है वो। अरे बाप रे, ये सारी औरतें किटी पार्टी वाली। देखो कैसे दुखी बेचारे कहते, अरे पूछो मत, हर चौथे पांचवे दिन किटी पे जा रही हूँ। यार बोला तो तोता हो गया है बाकी। बाय 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 बाय। पोपट बोलता है उसको गुजराती में, पोपट होगा कितना बोलता है, जो बोलो वही बोलता है। सो स्वीट यार। सो गाइस आज मैं जा रही हूँ पॉडकास्ट के लिए। सो चलिए, मैंने आधा ही बताया था, दोबारा अच्छे से बताती हूँ। तो आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं विक्की भैया और अंकिता के साथ। तो करती क्या, दबाता क्या? तेरे को हो क्या क्या? मुझे लगता है बिग बॉस में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप लड़ी पड़ते हो, और मुझे पता होता ही है जब फोन घड़ी पेन कुछ ना हो तो होता ही है। और बाकी तो जेलिस की बात, वो तो अगर नहीं होती ना तो आप प्यार ही नहीं करते, क्योंकि अगर आपका पति ज्यादा किसी से बात करे तो जेलिस होती है। देखो बैठना है मनारक साथ, और होता था यार, कितने प्यारे कपल है। तो चलिए आज चलते हैं, रेडी होते हैं। और अरे ट्रैफिक देखो भैया। लेकिन एक बात है यार, जब से इंदौर से आए हैं ना, वापस फिर जाने का मन कर रहा है पांडे जी, है ना? महाकाल के दर्शन करके धन्य हो गए, है ना? ऐसे लग रहा फिर से जीवन शुरू हुआ एक बार। क्या मजा आया यार, क्या 2 घंटे की बस मारती थी। समझ नहीं आ रहा था वो क्या रहा है। कभी इतना देर कहीं बैठा नहीं था मैं, है ना पांडे जी? 2 घंटे एक जगह पे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। और सबसे अच्छा वो था जब अंदर मंदिर की लाइट बंद हो जाती है और वो जो आरती होती है उससे भगवान का चेहरा दिखता है। यार क्या लग रहे थे महाकाल, ऐसे लग रहा था मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं ना पांडे जी? कितने रूप दिखे यार। उसके बाद मैं इतनी फ्रेश लगती हूँ ना, मतलब ऐसा लगता कि अरे बड़ी प्यारी, पता नहीं क्या हो गया, डिटॉक्स हो गए यार, क्या हील कर दिया हमें, क्या जय महाकाल। सो गाइस मैं ऊपर आ गई हूँ, पॉडकास्ट अभी शुरू होना है, लेकिन ना कुछ अच्छी बातें होती है जो दिल करता है कि आपको बताऊं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज हैं जो मेरा ब्लॉग देखती हैं, जिनके बच्चे हो गए हैं और कभी किसी से कोई बात कह नहीं सकती, ना सास से ना ससुर से, क्योंकि आगे से उनके जवाब होते हैं अरे हमने भी तो पैदा किए, हमारे भी ऐसे होते थे, फिर ठीक हो जाते। मेरा आफ्टर बेबी जब गोला हुआ उसके बाद मेरे बालों में बहुत बुरा असर हुआ, मेरी मांग इतनी चौड़ी हो गई थी ना, मैं आपको क्या बताऊं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे आपके हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, आप फीड करवाते हो बेबी को, बहुत सारा स्ट्रेस होता है। तो मेरे भाई बाल ही उड़ गए थे, और फिर
जो मैंने ऑर्डर किया है ना दोस्तों, वो मैंने पहले भी बताया हुआ, बट वो चीज दिन ब दिन जितनी पुरानी होती जा रही है ना, मेरे को और ज्यादा असर कर रही है, तो मैं ज्यादा छुपा नहीं सकती, तो बताती हूँ आपको। ये जो ट्राया है ना, वो रूट कोस को जानते हैं। एक फॉर्म पूरा भरना पड़ता है कि आपके बाल कैसे हैं। फिर जब वो समझ जाते हैं ना आपके रूट कोस को, तो आपको एक बहुत अच्छी किट बना के देते हैं ट्राया की, जो आपके बालों में माइंड ब्लोइंग असर करती है। और मैं बाल की नहीं कह रही, ओवरऑल आप बड़ा हैप्पी रहते हो। पिछले 3 महीने से हमने सच में कोई भी एक्सटेंशन यूज नहीं किया। मैं झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि ये खड़ी है तोती इधर। तोती सच्ची बता। हाँ, सच में नहीं किया है ना। तो आज जब मैंने नूर का फोन देखा, रील्स के अलावा कुछ डाउनलोड नहीं किया, आज मैं ट्राया का ऐप डाउनलोड करके दूंगी। कैसे करूंगी वो आप लोग भी देखिएगा, आलस से भरी हुई लड़की है ये। तो चलिए नूर दीदी, मैं बताती हूँ ये क्या है, ट्राया का ऐप। इसको क्लिक कर तेरा फॉर्म भरवाती हूँ और तेरी किट बनवाते हैं आज। ये लो। अच्छा मुझे बता के तेरे बाल कौन से हैं, स्ट्रेट, वेवी, कर्ली या फिर क्लोली? कर्ली। कर्ली, ओके कर्ली, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे बालों की क्वालिटी क्या है, गुड या डैमेज है? डैमेज है। कैसे होते हैं तुम्हारे बाल डैमेज, कैसे होते हैं? फ्रीजी। फ्रीजी। सो गाइस, आपने ऐसे ही फॉर्म भरते जाना, आगे आगे चीजें आती जाएंगी। ये जो सवाल पूछ रहे हैं ना, इससे ये आपका रूट कॉज जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम है भाई बालों में, और उसके बाद आपकी लाइफ बन जाती है मेरी तरह। ट्राया के जो स्कैल्प वाला ऑयल है, उससे अच्छी तरह से चंपी करती है, फिर मैं घर आके नहाती हूँ। तो ये मैं कर तो लूंगी, लेकिन ये डिस्काउंट दिलाओगे? हाँ डिस्काउंट, अगर नूर बोल रही है तो चलो डिस्काउंट कर देते हैं। मेरा कूपन कोड है 20 भारती। डिस्क्रिप्शन में हमने इस ऐप का लिंक दे दिया है, आप सबसे पहले जाओ, नहीं पहले ब्लॉग देख लो पूरा। हाँ, फिर एंड में जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक ठक करना, ऐप खुल जाएगा, डाउनलोड करो और अपने बालों के बारे में बताओ कि क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर माइंड ब्लोइंग किट आएगी। मैं तो लूंगी। सो गाइस, आज काफी थोड़ा लेट हो गए हैं, गेस्ट आने में आधा घंटा लेट हो गए हैं। oh, no. और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बाल भी दोबारा बनाऊं और कपड़े भी चेंज कर लूं, क्योंकि मुझे ना इतने लूज लूज गले बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। पॉडकास्ट में ना एक बार दरवाजा बंद हो जाता, फिर कोई आ नहीं सकता। मैंने दरवाजा दिखाना, पर मैं दिखा नहीं सकती, क्योंकि दरवाजे के आगे खड़े हुए लोग। आपको कह रही हूँ उसको, ये दरवाजा एक बार बंद हो जाए, क्योंकि इसके आगे ना कैमरा आ जाता है, फिर पूरा फ्रेम मिल जाता है, तो इसीलिए नहीं तो मैं अनकंफर्टेबल हूँ इस फ्रॉक में, तो मैं जाके चेंज करने लगी। भैया क्या कहते हो आप? हाँ नूरी। सो गाइस, विक्की और अंकिता के साथ हम शूट कर रहे हैं आज, और मैंने कपड़े बदल लिए, बाल वाल भी, खुले कपड़ों में बहुत अच्छा महसूस कर रही, और बाल के लिए तो मैंने ट्राया का आपको बता ही दिया। आ गए तो चलिए, विक्की और अंकिता आ गए, शूट करते हैं उनके साथ और मचाते हैं। चल ना, बातें मत सुना कर मेरी। अंकिता लोखंडे बिना पूछे मेरा वो खा गई क्या? अंकल एक और दो ना। ये ले बेटा, ये भी ठूस ले। सो गाइस, हॉट कपल जो आजकल बड़ा वायरल और फेमस चल रहा है, अंकिता लोखंडे एंड विक्की भैया, आज बहुत मजा आने वाला है यार। पति पत्नी बैठेंगे सामने, पति पत्नी के, और बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगे और बहुत मजा आएगा। और ये देखो, पॉडकास्ट के लिए आए और बारात देख रहे हैं, पॉडकास्ट के लिए आए बारात। अरे बहुत बहुत बधाई भैया। अरे घोड़ा आ गया दीदी, घोड़ा। 2 hours later पॉडकास्ट हो गया, और ये पहला पॉडकास्ट है जो हमारा इतना लंबा चल रहा है, जबकि हमको लगा था कि ये तो इनको निकलना होगा, ये पार्टी वाले लोग हैं, लेकिन ये तो वेले हैं, कितनी देर बैठ रहे। हमने बीच में कहा कि ये खत्म होता है, थैंक यू, वरना विक्की भैया भाई, ये पता नहीं मुझे उम्र कितनी है इनकी, लेकिन अंदर से ये बच्चे ही है दोनों, गली के। ए चलना चुपका तू, इनकी दोनों की कहानियां भी नहीं मिली इस पे, ये प्यार की कोई कहानी सुनाती थी, और वो बोलते थे इसकी ये कहानी मेरी कोई अलग है। तो ये पॉडकास्ट भाई 2 में चला है, उसकी कहानियां एक और उसकी कहानियां। मैं तो बिलासपुर जा रही हूँ। ये बिना शीशा देखे मेकअप कर लेती है भाई, मैंने बिग बॉस में देखा था, मैं कुछ बोल रही हूँ ना, अकेली लगा रही बिना शीशे के, पर मैंने देखा है शीशा। अभी कहती एक और चीज कर लेती मैं, क्या कहती है, आईलाइनर भी, आईलाइनर तो किसी का बाप नहीं लगा सकता शीशा देखे बिना भाई।
नहीं अंकिता तुम कह दो ये झूठ बोल रही हो। सब पता मेरे आंखों के बारे में। नहीं सच्ची लगा। नहीं सच्ची बोलो। 100% मैंने देखा है। सो अंकिता लोखंडे मैम फ्री हो चुकी हैं और आए हैं नीचे हम। अच्छी लग रही है। आए हैं। वाओ। देखा हमारे सीरियस लोग देखा भाई। किसी ने मुंडी इधर नहीं की क्योंकि बोला गया था काम करना। ओ स्त्री कलाना अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। देखा कोई हंस तो नहीं रहा। ये पकड़ा गया। देखा ये भी नहीं हंस रहा। तो चलिए बाहर मीडिया वाले। ओह नो। नमस्कार नमस्कार। देखो A few moments later. So, चलिए जी अंकिता और विक्की के साथ पॉडकास्ट हो गया और बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। शीला आजा छुपने की जरूरत नहीं तू हर बार ऐसी करती है। Oh no! छुप के निकल जाती है। So guys, पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा और फनी रहा और बहुत ही लंबा रहा। कितना प्यारा कपल है यार। और बस कुछ नहीं और बालों का भी तो आपको पता चल ही गया कि मैं क्या कर रही हूँ आजकल। सो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया आप जाके क्लिक कीजिए और ऐप डाउनलोड कीजिए और आपको बताना ट्राई एकदम माँ की तरह ध्यान रखता आपका एकदम रूट कॉज चेक करके ही आपको प्रॉपर एक किट बना के देंगे जिसमें आपके बालों के अकॉर्डिंग आपके ड्राई हैं डैमेज हेयर है कैसे हैं वैसी सब किट बना के देंगे जिसमें उनका शैम्पू सीरम ऑयल और भी बहुत सारी चीजें हैं। हाय हर्ष क्या बकबक कर रही हो। इधर विक्की का पॉडकास्ट यार बहुत कमाल इतने स्वीट लोग हैं और इतना मजा आया यार। हस्बैंड वाइफ मिलते हैं ना तो बातें बड़ी फनी होती है। इन दोनों ने हमारी बड़ी बेइज्जती की पत्नियों की। खैर कोई बात नहीं लेकिन माइंड ब्लोइंग पॉडकास्ट है और चलिए मिलते हैं आपको फिर हम कल। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए लेकिन हाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देखना। जमीन पे घसीटते हुए आई है ये कपड़ा इतना गंदा। चुप रह चुप रह तीखी बातें चुप। अच्छा ये दादा नहीं छोड़ते किसी को भी।